हेलो डियर मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू माय चैनल। प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद भी माँ को अपनी डाइट पर खास ध्यान देने के लिए बोला जाता है, क्योंकि दोनों ही समय में बच्चे को पोषण माँ के शरीर से ही मिलता है। एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, इस बारे में तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को क्या क्या नहीं खाना चाहिए, इस बारे में कोई बात नहीं करता। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को अवॉइड करनी चाहिए वो है कॉफ़ी। प्रेगनेंसी के दौरान भी हमें कॉफ़ी पीने से मना किया जाता है, क्योंकि कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है जो कि आपके और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और अगर डिलीवरी के बाद आप कॉफ़ी का इनटेक करती हैं तो उस वजह से बच्चे में इरिटेशन, नींद ना आना जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ऐसे में एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कॉफ़ी या फिर कैफ़ीन वाले किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे कि चॉकलेट या फिर चाय का इनटेक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको नहीं खानी है वो है ब्रोकली। ब्रोकली खाने से पेट में गैस बन सकती है, और अगर एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर ब्रोकली खाती है तो उसका बुरा असर बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ सकता है। तो इसलिए आपको ब्रोकली या फिर ऐसे वेजिटेबल्स नहीं खाने चाहिए जिनसे गैस बनती हो। थर्ड है स्पाइसी फूड्स। आपको ज़्यादा मसाले वाला खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। जब भी आप अपने लिए खाना बनाते हैं तो उसमें कम से कम मसाले डालें। आप बिल्कुल हल्का नमक मिर्च डालकर ही अपने लिए खाना बनाएं, और बाहर का खाना बिल्कुल भी मत खाएं, जंक फूड को बिल्कुल ना कह दें। और जब भी आप अपने लिए खाना बनाते हैं तो उसमें हींग का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि हींग खाने को जल्दी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है वो है मैदा। एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को मैदे से बनी हुई रोटी या फिर मैदे से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैदे को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है और मैदा आपके और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आप सिंपल आटे से बनी हुई रोटी ही खाएं, क्योंकि मैदा खाने से बच्चे को गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप मैदे को जितना हो सके उतना अवॉइड करें और घर का बना सिंपल सादा खाना ही खाएँ। नेक्स्ट चीज़ है खट्टे फल। खट्टे फलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन खट्टे फलों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसकी वजह से बच्चे को इरिटेशन, घबराहट, यहाँ तक कि कुछ बच्चों को उल्टी भी आ सकती है। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि डिलीवरी के कुछ टाइम बाद तक आप खट्टे फल ना खाएं। और अगर आप अपनी बॉडी के विटामिन सी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पपीता या फिर आम खा सकते हैं। इन दोनों फलों से ही आपको विटामिन सी मिल जाएगा, और ये दोनों फल खट्टे भी नहीं हैं, तो इनसे बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट चीज़ जो एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए वो है पुदीना। अगर आप अपनी डाइट में पुदीने का यूज़ करते हैं या फिर आप पुदीने की चटनी खाते हैं तो आप इसको खाना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि पुदीना खाने से ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम होती है। तो इसलिए एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को पुदीना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगली चीज़ जो आपको खाने में अवॉइड करनी है वो है बीन्स। बीन्स में आपको राजमा, काले चने और सफ़ेद चने बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। इन्हें खाने से पेट में गैस बनती है और ये खाने में हैवी भी होते हैं, जिस वजह से बॉडी को इन्हें डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि आप हरी पत्तेदार सब्जियां ही खाएं, बीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। नेक्स्ट है बाजरा और मक्की। फ्रेंड्स, अगर आपका बेबी सर्दियों में पैदा हुआ है तो विंटर्स में तो ऑलमोस्ट सभी के घर में बाजरे और मक्की की रोटी बनती है, लेकिन आपको इन दोनों ही रोटी को नहीं खाना है। आपको सिंपल आटे से बनी हुई रोटी खानी है, क्योंकि ये खाने में काफ़ी हैवी होती हैं और इन्हें डाइजेस्ट करने में बॉडी को मुश्किल होती है। और अगर आप इन्हें खाएंगे तो जो मिल्क की प्रोडक्शन होगी उस दूध को पचाने में बच्चे को काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि आप सिंपल आटे से बनी हुई रोटी ही खाएँ। अगली चीज़ जो आपको खाने में अवॉइड करनी है वो है लहसुन। आपको खाने में लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि कई बार लहसुन खाने से बॉडी में से लहसुन की स्मेल आने लगती है, जिस वजह से बच्चा दूध पीना बंद कर देता है। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि आप अपने खाने में लहसुन का इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है मूंगफली। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि अगर एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर मूंगफली खाती है तो उस वजह से बच्चे को एलर्जी हो सकती है। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर आप मूंगफली ना खाएं। इन सभी चीज़ों के अलावा आप एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट को फॉलो करें। आप बिल्कुल हल्का फुल्का खाना खाएं, आप ऐसा खाना खाएं जो इजी टू डाइजेस्ट हो, ताकि जो आपका दूध बने बच्चा उस दूध को आसानी से पचा सके और बच्चे को गैस या फिर कोलिक रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप बच्चे को अच्छे से और ठीक से ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।